बिग बॉस पे था ना, ये करेगा edition of a lonely planet and magazine. So what do you like to say about it? I'm very happy to be here. Actually, I know this magazine very well. When I travel, I always use Lonely Planet. They tell you the budgets, the places to stay, local taxi prices. So and I travel a lot. I travel maybe twice a year, 3 times a year. So I actually know it's very good. Okay, so which is your favorite destination? As you have told that you like traveling. Sir, bolo to London, my family wahan pe hai. जब मौका मिलता मैं कोशिश करता हूँ लंदन जाने के लिए. अदर देन लंदन आई लव दुबई. दुबई इज ब्यूटीफुल. आई लाइक दुबई. इट्स क्लोज टू इंडिया, टेक्स 2 आवर्स. आई लव इंडिया द मोस्ट. इंडिया इज माय फेवरेट. ओके, लोनली प्लैनेट की बात करें तो अगर आपको कोई मौका मिले कोई एक्ट्रेस को लेके जाने का कोई एक लोनली प्लैनेट में, तो किसको लेके जाना चाहिए? एक्ट्रेस को, एक्ट्रेस एनीवन इंटरनेशनल बोल सकते हो. ओके, जैसे कि हमने प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो मदर इज मदर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अवर प्लैनेट. ओके, आपका एक सबसे अच्छा डेस्टिनेशन प्लेस कुछ बताना चाहिए? मुझे बताया डेस्टिनेशन है लंदन, मेरी फैमिली है वहाँ पे, और जब मौका मिलता है तो मुझे ड्रीम मैन कमिंग आउट एंड ऑफ द ईयर. थैंक यू. बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. मेरे लोग को सुपर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो किस प्रकार के कमेंट मिल रहा है पहले तो ये जानना चाहिए. नहीं यार, सबको बहुत अच्छी लग रही है. ऑल द ट्वीट्स, ऑल द मैसेजेस, एवरीथिंग आई हैव बीन गेटिंग फ्रॉम पीपल इज बीन ओवरवेलमिंग. इतना प्यार मुझे आज तक भी मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है यार. मतलब वी गॉट सम 35-40 million The whole idea is to just make a film, reach out to as many people as possible, and Eid aa rahi hai, Eid pe picture aa rahi hai. So I'm hoping jab ye picture aaye to logo ki achhi hai. ओके, सलमान सर भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बॉबी देओल ने भी काफ़ी तारीफ की आपको. एक नाम रखा गया तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? यार, बॉबी मुझे प्यार से नाम मुन्ना बुलाता है, पता नहीं क्यों बुलाता है वो. एक्चुअली हम पिछले 3-4 साल से क्रिकेट खेलते हैं, तो हुमा एक मैच में चेयर करने आई थी, तो हुमा के मुँह से कभी मुन्ना निकल गया, एंड बॉबी स्पॉट ऑन टू दैट. एंड वो अभी भी पिक्चर भी चल रही है, वो मुझे मुन्ना बुलाता है. बट आई थिंक इस फिल्म पे तो सबसे अच्छी चीज़ हुई है फॉर इंडिया दैट आई हैव गॉटन टू वर्क विद 7 सीनियर एक्टर्स, जिनको देख के मैं बड़ा हूँ, जिनका फैन मैं रह चुका हूँ. तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है यार, कि मेरे लेफ्ट पे वर्ल्ड का प्रेम, राइट पे मिस्टर इंडिया, मतलब सोल्जर, एवरीबडी, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग देम. सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड आई हैव एंजॉयड एवरी. ओके, मम्मी पापा से क्या रिस्पॉन्स मिला आपके इस ट्रेलर को देख के? क्या था पैर? माँ बाप के लिए क्या होता है, बच्चा तो उनको सबसे अच्छा होता है ना. मैंने कोई बुरी पिक्चर भी देखी तब भी उनको उनका अच्छा ट्रेलर लगा था. तो ऐसा मॉम डैड को यार द लव इज अनकंडीशनल, सो दे ऑफ कोर्स रियली लाइक द ट्रेलर. ओके, ये ट्रैवल्स अवार्ड है, तो आप पर्सनली ट्रैवल करना कितना पसंद करते हैं? यार, आई लव ट्रैवलिंग व्हेनेवर आई गेट टाइम, एंड मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं जिनके साथ मैं बड़ा हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उनके साथ निकल जाता हूँ. ओके, एनी फेवरेट डेस्टिनेशन? आई लव टू गो टू लंदन. आई जस्ट टोल्ड पीपल दैट आई लव गोइंग टू लंदन, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस. और मुझे लंदन में वॉक करने का बहुत शौक है. बॉडी काफ़ी चेंज लग रही है आपकी, कोई मूवी के लिए? नहीं, किसी मूवी के लिए तैयारी चालू क्या है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? आई हैड टू लुक दैट, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें थोड़ी मेहनत लगी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो फिर मैंने जब बना ली बॉडी, तो मैंने सोचा कि यार बना ली है तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेंटेन करके रखें. सब कह रहे हैं अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही होगी, बट इट्स अ टास्क मेंटेनिंग एंड बॉडी यार. बड़ी मेहनत लगती है, बड़े अच्छी ये गाइस. थैंक यू. अभी